आज नोटबंदी का 20वां दिन है। आज दो दिन की बंदी के बाद बैंक फिर से खुलकर जनता को राहत देंगे, लेकिन नोटबंदी पर विपक्ष की रणनीति सरकार को राहत देने की बिल्कुल नहीं है। आज विपक्ष ने पुराने नोटों को बंद किए जाने के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है, तो कहीं आक्रोश रैली निकालने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष की इस मोर्चाबंदी में पहले ही बंटवारा हो गया। वाम दलों को छोड़कर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने खुद को भारत बंद से दूर रखा है। हालांकि वो नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन और रैली जरूर निकालेंगे, लेकिन जेडीयू ने भारत बंद और प्रदर्शन दोनों में ही शामिल होने का फैसला नहीं किया है। और अब बात नाभा जेल कांड की, जहां कल महज 15 मिनट में जेल से 6 अपराधी भागने में फरार हुए। इसमें से एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू भी शामिल है। हालांकि नाभा जेल कांड को अंजाम देने में शामिल अपराधी परविंदर सिंह को शामली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परविंदर सिंह से पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी के बाद परविंदर की गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। शामली में इस वक्त आईबी, एसटीएफ, रॉ के अधिकारी भी मौजूद हैं। पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में खुलासा हुआ कि जेल से भागे सभी अपराधी दिल्ली में जमा होने वाले थे। इसी बीच कल पटियाला में नाके पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक असमंजस की स्थिति में पुलिस की गोली से महिला की मौत भी हो गई। फिलहाल जेल से फरार सभी 6 कैदियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। शामली में गिरफ्तार किए गए अपराधी परविंदर सिंह से पूछताछ जारी है और वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता पुनीत शर्मा। 27 नवंबर की सुबह सुबह परविंदर नाम का एक खूंखार आतंकी अपने 11 और साथियों के साथ फॉर्चुनर, हुंडई वर्ना, होंडा सिटी और I-20 कार में सवार होकर के पंजाब की पटियाला की नाभा जेल पहुंचते हैं और उसके बाद बेहद ही फिल्मी अंदाज में वो वहां पर जेल तोड़ करके अपने साथियों को फरार कर लेते हैं और इसके बाद वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, पूरे इलाके में रेड अलर्ट था। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया था और उसके बाद जो परविंदर था उसको शामली पुलिस ने शामली के कैराना से गिरफ्तार किया। ये फॉर्चुनर कार आप देख रहे हैं, इस फॉर्चुनर कार का इस्तेमाल जो परविंदर है उसने जेल ब्रेक की इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया था। 27 नवंबर की सुबह सुबह परविंदर इसी फॉर्चुनर कार में सवार होकर के अपना 11 और साथियों के साथ नाभा जेल पहुंचता है और जो उसके 4 साथी थे वो पुलिस की वर्दी में थे, जो खुद को पुलिस वाला बताते हैं, और उनका एक साथी एक कैदी बनकर के उनकी इसी फॉर्चुनर कार में सवार था। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।